बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे आपको कि पाई की वैल्यू, ये पाई क्या होता है, कहाँ से आया है, इसकी वैल्यू हम डिस्क्राइब करेंगे कि 3.14 क्यों है, कैसे है। और अक्सर औकात आपको नज़र आता होगा ये यूज़ होता है, काफ़ी एरिया के फॉर्मूले में यूज़ होता है, पेरीमीटर के फॉर्मूले में यूज़ होता है, कैलकुलस में इसका बहुत यूज़ होता है जब हम वॉल्यूम मालूम कर रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। तो पाई की वैल्यू के इंट्रोडक्शन के लिए आपके सामने एक स्क्रीन पर आपको एक वीडियो नज़र आ रही होगी कि पाई का जो सिंबल है बेसिकली ये ग्रीक लेटर है एक। तो इसको समझने के लिए मिसाल के तौर पर एक अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और उसका डायमीटर है, अगर वो डायमीटर 1 यूनिट के इक्वल होगा तो जब उसे हम उसके सर्कमफेरेंस को जब मेजर करेंगे, तो अगर डायमीटर 1 यूनिट होगा तो उसका जो सर्कमफेरेंस होगा उसे पाई से डिनोट करते हैं, जो कि 3 और 4 के दरमियान एक वैल्यू होती है। यानी पाई और कोई नई चीज़ नहीं है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, इसलिए हम सी इज इक्वल टू पाई डी फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर 1 यूनिट डायमीटर है तो सर्कमफेरेंस हमारा पाई की वैल्यू जो होगी, हमारी जो सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है, दैट इज 3.14159265358897, जो कि मिलियन ट्रिलियन तक चलती रहती है और इसमें कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं होता। इसी तरह डिफरेंट सर्कल्स होते हैं, उनका रेशो सेम ही रहेगा। यानी मिसाल के तौर पर स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, 2.5 अगर डायमीटर है या दूसरे का सर्कल 8 है, तो उसी तरह उनके जो सर्कमफेरेंसेस जो होंगे उनके डिफरेंट होंगे, लेकिन रेशियो उनको सॉल्व करने से जो भी आंसर होगा दैट इज 3 समथिंग, जो कि पाई के इक्वल होगा। तो पाई के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको मैं बताता हूँ। पाई बेसिकली, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो इसीलिए 14th of March को हर साल दुनिया में पाई डे मनाया जाता है। ये पाई में काफ़ी एक खसूसियत है, उसकी वजह क्या है पाई डे अलग से मनाने की, तो पाई के कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपको बताते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि 1699 में सिर्फ और सिर्फ पाई के 3 पॉइंट के बाद, जो 1 4 आगे हम कंटिन्यू रखते हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ 71 डिजिट्स करेक्टली डिस्कवर हुए थे। और मजीद तरक्की होती गई, 1719 में 71 से 112 डिजिट्स फाइंड कर लिए गए फ्रांस में। इसी तरह और मजीद तरक्की हुई तो 1841 में सिर्फ 440 डिजिट कैलकुलेट हो सके थे इंग्लैंड में, और इन 440 डिजिट में कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा था। यानी ऐसा नहीं होता कि जैसे आप किसी वैल्यू को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, यानी मिसाल के तौर पर आप 13/7 कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेटर तो खैर लिमिटेड डिजिट्स देगा, लेकिन आप मैनुअली फाइंड आउट करते जाएंगे तो एक नंबर्स जो आपको पैटर्न मिल रहा होगा वो ज़रूर रिपीट होगा। इसी तरह किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन जब पाई के आप डिजिट्स बाद में मालूम करते गए तो 440 डिजिट 1841 तक मालूम किए गए, उसमें अब तक कोई रिपीटिंग पैटर्न नज़र नहीं आया। और इसी तरह और आगे 1946 में 620 डिजिट तक निकाल लिए गए, तब भी उसमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आया। और रिसेंटली, अगर रिसेंटली मीन्स 2002 में, टोक्यो में 1.2411 ट्रिलियन डिजिट्स इसके मालूम किए गए, डेसिमल प्लेसेस मालूम की गई, उनमें भी कोई डिजिट रिपीट, यानी कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। डिजिट्स तो रिपीट हो रहे हैं, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। और ऐसा नंबर सिर्फ और सिर्फ पाई ही दुनिया में मौजूद है। और इसके एक और फैक्ट आपको बताता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सबने ज़रूर सुना होगा, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो बर्थडे है वो भी पाई डे यानी कि 3.14 है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि पाई की वैल्यू 3.14 है, ये कैसे डिस्कवर हुई है। तो सिंपल सोका टोवा से डिस्कवर हुई है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।